Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fan. तो अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं सफोकेशन पे, क्योंकि हमने सबने कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स में बता दिया है कि हम से सफोकेशन और वो लिटरली दिमाग में छप गया है, क्योंकि हमने पूछा था एंड ऑफकोर्स हमने पूछा था, हमें एकदम ही नहीं समझ आया हब्स का मतलब क्या होगा. ऐसा लगा मुझे ऑनेस्टली, मेरे को पर्सनली लगा था कोई एब्रिविएशन हो सकता है जिसका कोई फुल फॉर्म हो. हमने आई थिंक वीडियो में बात भी करी थी क्या, या फिर हमने ऑफ कैमरा बात करी थी कि ऐसा हो ऐसा हो. तब तो कमेंट्स हमें पूरा स्पैम हो चुका. हब्स मीन सफोकेशन. लेकिन आई वांट टू नो, इतना पहले हमने ट्रेलर कब भी किया था? मुझे लगता है एपिसोड्स और भी तो आ गए ना इसके. हाँ, आ गए आ गए. मैं मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसके आ गए थे. हाँ, ओएसटी का अब ओएसटी आया है. ऐसा हो सकता है कि वीडियो के बिना आया हो पहले या नहीं आया हो कम्प्लीटली. आया होगा अगर वीडियो के बिना लगेगा ना, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ, ये जब आपके पास है वो राइट, तो आई थिंक सही टाइम पे यूज करते हैं. और अभी सिंस इतने सारे लोगों ने कॉमेंट्स करा है अभी ही आया है, वरना ओएसटी के लिए कोई तो बोलता ही हब्स का ओएसटी करो. तो ठीक है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जितनी हमें स्टोरी याद है अभी से, इट्स ऑल अबाउट कंफ्यूजन. वो हम अभी वीडियो से पहले वी वर डिस्कसिंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, याद है क्या? तो दीपिका की फेवरेट उष्णा को हम वापस देखने वाले हैं. गोपाल जी परिजात 100 बार बोल चुके थे उष्णा इज सो प्रिटी, ये कितने प्रिटी. इवन आफ्टर बीइंग सच अ, मतलब उनका जो रोल था वो उसमें, हां वो एक कनिंग लुक एंड ऑल, उन्होंने बहुत गलत किया परिजात के साथ. लेकिन एंडिंग में तो पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं बस उनको देख रहा हूं लाइक यार रोल कितना ही बड़ा हो. बंदी बहुत सुंदर है, सुंदर तो बहुत है. और प्लस ये फिरोज, या मुझे पोस्टर्स याद आ रहे जो सुंदर सुंदर पोस्टर्स थे. इनका बहुत, हमने अपने पोस्टर्स की बात भी की थी स्पेसिफिकली, बहुत एस्थेटिक शूट पूरा. ठीक है गाइस, अभी देखते हैं ओएसटी फिर बात करते हैं. कितना टाइम बाद ऐसा लग रहा है कोई ओएसटी देख रहा है. अरे चालू करो, चालू करते हैं. बहुत बात आहें भरूं, बुनती रहूं
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ओपनिंग शॉट था क्या हर वाइब दे रहा था जैसे आपसे खड़ी थी एक चीज नोटिस की पूरे रास्ते में एक भी स्माइलिंग सीन नहीं है थे बहुत माइल्ड थे और फिरोज साथ में कितने अच्छे लगते हैं कितने एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग वे में प्यारा था मतलब यू नो बहुत लाइट कर दिया सॉन्ग बहुत हिट होगा टचिंग थे क्योंकि इतने स्मूथ वे में थे इस वजह से ओएसटी भी बहुत लाइट लगा लाइक यू नो इवन दो इवन दो इट वाज सपोज्ड टू बी हेवी लाइक हां सीन्स बहुत कुछ कुछ हेवी थे लेकिन बहुत एक अलग फील देके गया बहुत प्यारा था इतना टाइम बाद मैं अपने प्रेडिक्शंस कर रही हूं चुप इसमें ये गुस्सा करते अरे ठीक है थोड़ा तो बनता है व्हाट इफ इसमें उष्णा सुसाइड कर ले क्योंकि इसका हब्स सफोकेशन और वो लास्ट में ऐसे दुपट्टा लेके जा रहे हैं नेवर नो बट हब्स का ऑफकोर्स बहुत ऐसे मीनिंग में ये भी है कि ये दोनों की शादी यू नो एकदम दोनों के उसमें नहीं हुई थी आउट ऑफ फीलिंग्स नहीं हुई थी तो उसके कारण वो सफोकेशन का थंबनेल मेक्स मोस्ट सेंस आई नो मैंने वो भी देखा ऐसे बट इसमें दो कपल्स है और यंगर वन शी सो मतलब एक मुझे बहुत प्यारे बहुत आई डोंट नो शी रिसेंबल समथिंग बहुत ज्यादा वो किसी को रिसेंबल करते वो जो डस्की है वो इसलिए और ज्यादा अच्छा लगता है आई नो बिकॉज़ वो एक बहुत सुंदर लगता है एक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एंड शी इज वेरी उष्णा का रोने वाला सीन जो था जहाँ पे वो फोड़ के और जैसे रो रहे थे वॉशरूम में तो या बहुत और जो फोड़ा था उसकी बहुत चीज ऐसे और नेचुरल लगा होगा ये फेंकना कैसे स्क्रिप्टेड हो सकता है फेंकना तो फेंकना है अरे बट वो टूटा बहुत अच्छे फोर्स में कि वो पूरे से अगर वो एकदम अच्छे से क्लियर ना हो तो हो सकता है फिर वो वापस करो और वापस रोना पड़ जाए वैसा वाला बड़ा दुख होगा इंसान गुस्से में तीन चार टेक्स हुए होंगे मेरे दिमाग में वही आता है कि आठ टीम को बोला होगा कि पांच वो होने चाहिए कि बार बार फोड़ना पड़ सकता है अब वही आता है दिमाग में ठीक है जब शुरू में भी एक सीन था जब वो लोग ऐसे फेस टू फेस खड़े थे और एक साइड आने था वो दोनों कुछ बोलते जा रहे थे बोलते जा रहे थे वो सीन भी अच्छा था ये दोनों जब ऐसे स्टेज पर चढ़ रहे थे आई डोंट नो यू नो सम सीन्स दे वर विजुअली सो नाइस एंड आई थिंक सफोकेशन फ्रॉम व्हाट बिकॉज ऐसा काइंड ऑफ दिखाया सिंस ओएसटी एंड ऑल में भी कि थोड़ा तो इन दोनों के गुस्से के लिए जहाँ पे वो दोनों ऐसे थे या हो सकता है सपना हो क्योंकि मुझे भी सपना ही लग रहा है यार तुम लोग बहुत गंदे असम्पशंस दे रहे हो एकदम पॉइंट ऑन असम्पशंस क्योंकि एक सीन में भी इन दोनों को एक दूसरे को सुपर हैप्पी है यू नो इन लव नहीं बताया एकदम क्लियरली बट ओएसटी के जो लाइंस थे उसके अकॉर्डिंग तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो उसके बट मे बी वो किसी चीज से ये है क्या बोलते हैं बंधे हुए कोई चीज के कारण वो तो उसमें था ही जहाँ पे वो यू नो फिरोज खान शादी के लिए एकदम ऐसे थे यहाँ शादी करनी है एंड उष्णा की मम्मिया उनके मेडल्स और सब बेच रहे थे और यू नो वैसा सीन था शादी की लोकेशन भी बहुत मस्त थी ऐसा एक्चुअली वो शॉट भी बहुत प्यारे तरीके से लिया था उसमें ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे ये मैं ये देख देखते बीच में मेरे दिमाग में था अब तो ये और अच्छी लगने लग जाएगी यार मतलब शी इज सो प्रिटी उनके इंटेंसिटी उनका फेस पता नहीं वो एज अ मैम भी मुझे बहुत सुंदर लगती है बहुत प्यारी लगती है मतलब इतनी सुंदर इतनी क्यूट वाली बबली वाली सुंदर लगती है मतलब ये ना एकदम क्यूट वाले सुंदर वाले बहुत ज्यादा प्रिटी बस सैड में इसलिए हूँ कि इसके अंदर पूरे टाइम वो सैड है यार वो स्माइलिंग थोड़ा भी नहीं एटलीस्ट वो कनिंग दिखाना चाहिए ना मजा आता मतलब वो उनके ऊपर कनिंगनेस में बहुत सुंदर लगता है उतना हाई होना चाहिए था जितना यू नो मेरे हम सफर का होता मेरे हम सफर वेंट क्रेजी लाइक बहुत ज्यादा हिट हुआ था फरहान सईद और के इंटरव्यूज मेरी एक कजन है वो बहुत देखते तो मुझे बता रहे थे कि उनका इंटरव्यू ऐसा था वो उसमें ऐसा बोल रहे थे एंड एवरीथिंग तो वही कि मेरे हम सफर राइट नाउ इतना हिट हो गया था इतना वायरल हो गया था जस्ट उस तरीके से ये भी होगा कि ओएसटी से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इंटरेस्टिंग एज इन इमोशनली वैसा वेरी स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी फिरोज खान का भी नो कि वो जब अपना इमोशनल गेम देने एंड देन वी सॉ उष्णा जो एक रोल में उतरती है तो वो बहुत अच्छा उतरे थे क्योंकि वो पहले जब वैम्प बने वो वैम्प बने जब वो अच्छे बने तो वो सुंदर लगे इतने ज्यादा अब इंसान सुंदर तो पहले भी लगे सुंदर तो लग रहे एंड फिरोज लाइक हमने उनकी बात नहीं करी क्योंकि फिरोज एक्चुअली पता हमने ऐसे कैरेक्टर फिरोज को इतना देखा कि ये तो इसी के लिए बना मतलब यू नो हमने
देखा है, मुश्ते खाक में देखा, मतलब उनका एक इंटेंस फेस। मुझे तो ऐसा है कि मेरे जब मुश्ते खाक में देखा, जब खाने में देखा, उसके बाद इनको ऐसे देखना एज अ गुड बॉय, इवन दो इट्स वेरी इजी, बट खाने से वो बहुत हिट हुआ। बट यू नेवर नो कि ये गुड बॉय गुड बॉय है। नहीं यार, गुड बॉय लग रहा है, गुड बॉय है यार। इतना थ्रिलर तो होगा नहीं कि अचानक से बैड बॉय निकल जाए, बट इनके फेस पे ये गुड बॉय बने या फिर इनके फेस इतना इजी, वही इनके फेस पे देयर इज समथिंग जो उनको बहुत इजीली एक्चुअली कर देता है। नॉट इवन लाइक कि उनको एक वीडियो क्लिप हमें देखना पड़े, एक फोटो होगा ना उसमें भी समझ जाएगा। अच्छा, खुदा और मोहब्बत याद है? ओह माय गॉड मतलब ये वही इंसान है जिसकी हम इतनी ये सब बातें कर रहे हैं, जो एक अलग उसमें भी तो वही ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लगे। आई नो सना और इनका केमिस्ट्री लेवल एक बहुत अलग है, बट ये दोनों एज अ पेयर इनको साथ में देखना, इवन यू नो जस्ट देखना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग। टाटा, टेक केयर, सी यू।